अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ बॉम्बे कराची हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि इसे कराची हलवा, कॉर्नफ्लावर हलवा ये भी कहते हैं। और ये थोड़ा सा चुई सा होता है, तो आपने खाया भी होगा इसे कई बार, तो उसी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हालांकि इसमें जो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, आपको 1 घंटा लगता है इसे बनाने के लिए, तो चलिए हम इस रेसिपी को देख लेते हैं। अगर आपको अच्छी तरह से बनाना है तो 1 घंटा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने 1 कप कॉर्नफ्लावर ले लिया है, इसमें पानी जो होता है वो 3 कप जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम 2 कप पानी डालेंगे इसे, और हम थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लावर में पानी डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना हो। जो 2 कप पानी डालना है वो हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और जो 1 कप पानी है, क्योंकि हम चाशनी भी बनाने वाले हैं तो उसमें भी पानी जाएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 कप पानी कम यूज़ किया है। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और अच्छे से कॉर्नफ्लावर को डिज़ोल्व कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक वेसल ले लिया है, इसमें 2 कप शुगर ऐड करेंगे, और इसमें साथ ही में मैंने 2 कप ही पानी डाला है, और जो शुगर है उसको थोड़ा सा डिज़ोल्व होने देंगे। और ये सिट्रिक एसिड है, इसकी जगह आप लेमन भी यूज़ कर सकते हो, ये शुगर को क्रिस्टलाइजेशन से बचाएगा। और यहाँ पर जब चाशनी रेडी हो जाएगी, नॉर्मल हमारा शुगर डिज़ोल्व हो जाएगा, तो इसमें हम कॉर्नफ्लावर का जो स्लरी बना के रेडी किया था वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसे अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। ये आपको देख रहे हो, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट से होता सा दिख रहा है, तो हमें इसी तरह से चलाते रहना है इसे। और हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून घी, इसमें मुझे पूरा 1/2 कप से ज़्यादा घी लगा है, यानी 2/3 कप घी लगा है। तो इसी तरह हम इसमें डालते जाएंगे, घी भी ऐड करते जाएंगे, और कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे घी के साथ। ये देखिए, अभी ये बहुत बाकी है इसे करना, तो हमें इसी तरह से इसे चलाते रहना है। आपको अगर सेम हलवा चाहिए तो आपको इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, आपको इसे चलाते रहना पड़ेगा, इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना पड़ेगा। कम से कम मैंने यहाँ पर इसे ना 40 to 45 minutes तक चलाया है, जब जाके ये इस तरह से ट्रांसपेरेंट हुआ है, आप देख सकते हो। इस तरह से आपको कर लेना। यहाँ पर मैंने ऑरेंज एंड रेड फूड कलर मिक्स करके इसमें डाला था, क्योंकि जो कलर मुझे चाहिए था वो सिर्फ ऑरेंज कलर से नहीं आता और ना ही रेड कलर से आता, तो अभी हम इसे अच्छी तरह से कलर के साथ भी मिक्स करेंगे और इसे चलाते जाएंगे, और 10 to 15 minutes अभी बाकी है। यहाँ पर मैंने मेलन सीड ऐड कर दी है, जो कि इसमें पड़ता ही है ज़्यादातर, अगर आप देखोगे कि बॉम्बे कराची हलवे में ये जाता है। और साथ ही में हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे, आप कोई भी अपने चॉइस के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हो। देखिए, ये अभी ट्रांसपेरेंट सा हो गया है, यानी ये ऑलमोस्ट बन गया है। तो अभी हम इसमें घी ऐड करेंगे, जो 2 टेबल स्पून घी बचा हुआ है, जो मेरे पास टोटल घी था उसमें इतना बचा हुआ था, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप देख सकते हो कैसे हलवे ने पैन को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, ये अच्छी तरह से पैन को छोड़ रहा है, तो मतलब हमारा हलवा रेडी हो गया है। अभी इसमें हम 1/2 टीस्पून के करीब रोज़ एसेंस डालेंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। और ये अच्छी तरह से रेडी हो गया है, तो अभी हमें जिसमें भी इसे सेट करना है वो ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रे ले ली है, और इसके अंदर हम थोड़ा सा घी डाल देंगे, और इसे मैं थोड़ा सा ग्रीस कर दूँगी ताकि हलवा अच्छे से आसानी से बाहर आ जाए। और इस तरह हो जाने के बाद हम इसमें हमारा हलवा ऐड कर देंगे, और इसके ऊपर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे गार्निशिंग के लिए। जब इस तरह से हो जाए तो हम इसे 20 मिनट्स के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। 20 मिनट्स के बाद ये अच्छे से आसानी से बाहर निकल आता है। तो ये 20 मिनट्स हो गए, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। और हमें इसे बिल्कुल मार्केट में जैसे मिलता है वैसे ही बनाना है, तो जो मैंने इसका एक्स्ट्रा था पार्ट वो निकाल दिया और इसे स्क्वायर शेप में कट कर लिया। और ये सिर्फ मैं दिखा रही हूँ आपको कि मार्केट में ये हलवा किस तरह से मिलता है, तो इसी तरह की एक प्लास्टिक में वो लोग भी इसे रैप करके रखते हैं इसी तरह से, और उनके पास बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होता है, तो आप कोई भी कलर इसमें ऐड कर सकते हो। और उस तरह से मार्केट वाला आप बॉम्बे कराची हलवा आसानी से घर पर बना सकते हो।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पे भी फर्स्ट टाइम आए हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।